दोस्तों गाइस यहाँ पर देख से इस तरह का आपको एनिमेशन कहाँ से मिल सकता है, वो भी काइंड मास्टर से। जैसे कि वीडियो एडिट करते हैं बहुत सारा ऐसा जगह पे होता है, जैसे कि यहाँ पर एरो लगा सकते हैं बिना डाउनलोड किए, बिना बैकग्राउंड रिमूव किए, और इस तरह का आपको चौखुट टाइप का बना भी सकते हैं अपने एनिमेशन वीडियो में। जैसे कि कहीं पर बता रहे हैं तो आपको इस तरह का आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको जरूर पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको इस तरह का आपको एनिमेशन काइंड मास्टर में कहाँ से मिल सकता है। सिंपली यहाँ पर फोन का स्क्रीन मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सिंपली फोन का स्क्रीन देख लो, ठीक है, यहाँ पर मैं काइंड मास्टर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर से मेरा काइंड मास्टर है, आपका जो भी काइंड मास्टर है आपको एनिमेशन आपको ओपन कर लेना काइंड मास्टर का, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कैंसिल कर देना। यहाँ पर देखते हैं मेरा वीडियो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वीडियो में आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या ये करना है, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर आपको लगाना है वो वाला एनिमेशन, एरो लगाना है, चौखुट टाइप का लगाना है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा लेयर का ऑप्शन, लेयर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखते हैं हैंड राइटिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा एनिमेशन नहीं मिले इस तरह का लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह का लगा सकते हैं, बहुत सारा एनिमेशन दिया गया। फिर चाहते हैं दूसरा तो आपको इस तरह का लगाना है, एरो लगाना है तो एरो भी लगा सकते हैं, चौकोर टाइप का लगाना है और यहाँ पर चौकोर टाइप का भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसका जो मोटाई है इसको मोटाई बढ़ाना है तो आपको इस तरह का लगा सकते हैं। देखते हैं आपको इस तरह का आपको एनिमेशन मिल सकता है। फिर से यहाँ पर क्लिक करना, और चाहते हैं ये वाला लगाना तो इस तरह का आपको लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ जो कि बहुत आपको यूजफुल रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर वाले पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर बहुत सारा कलर देखने मिलेगा इसका। यहाँ पर कम करना है कम भी कर सकते हैं, इसको फुल ही रहने देना है, ठीक है। आपको जो भी कलर चाहिए उस पर ग्रीन चाहिए ग्रीन, यहाँ पर देखते ग्रीन आ चुका है। यहाँ पर इरेजर क्लिक करना है तो इरेज भी कर सकते हैं, जो भी आपको गलत लग रहा है वो आप कर सकते हैं। इस पर फिर से टैप करना है, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये चौखुट वाला चाहिए, ये वाला गोल वाला चाहिए, तो यहाँ पर गोल वाला भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करके इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन अपना वीडियो में लगाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कहीं पर कुछ भी बताना हो। तो गाइस ये वाला सबसे अच्छा है, मेरा फेवरेट यही है, ठीक है। इस तरह का आपको लगा सकते हैं बहुत सारा, जो कि बहुत औसम लगता है, और इसका एनिमेशन भी है जो कि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस पर आपको टैप कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, और एक और एनिमेशन मैं आपको बता देता हूँ। हैंड राइटिंग में जाना है, फिर से ये इसको ऐसे कर दिया, और मान लीजिए मुझे इसमें एनिमेशन लगाना है, तो यहाँ पर एनिमेशन लगाना है तो सिंपली यहाँ पर देखते इस पर क्लिक कर देना है, जो भी आपका है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखते आपको सबसे ऊपर पर यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं ड्रॉ टू स्ट्रोक ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ इनडोर यहाँ पर कर सकते हैं, और आपने जहाँ ये वाला फीचर नहीं दिया गया आपको क्या करना, इन एनिमेशन में चले जाना, क्योंकि ये काइंड मास्टर सब में अलग अलग होता है। वहां पर आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको लगा के इस तरह का बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को पसंद आएगा, और हमारा समझाने का तरीका जहाँ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर ले, और आगे कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट जरूर कर दे, उस पर मैं रिसेंटली वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसके लिए जय हिंद जय भारत।